नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये राम तेरी गंगा मैली जैसा नज़ारा कहाँ का है, और ये नाला है जो प्रेमनगर नगरा का इलाका है झांसी का, और आप नाले की स्थिति देख सकते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं बछड़ा कचड़े को मैं ढूंढ रहा है कुछ खाने को। ये बिल्लेश्वर मोहल्ला कहा जाता है इसको, का यहाँ की अजीब दास्तान है। थोड़े इधर चले जाओ तो महाराजपुरा लगने लगता है, थोड़े इधर आ जाओ तो बिल्लेश्वर लगने लगता है, थोड़े खिसक जाओ तो पूर्विया टोला लगने लगता है, और आगे चले जाओ खम्मा दिख रहा है जो वहाँ ईसाई टोला लगने लगता है। तो ये चारों जगह का एक बिंदु केंद्र बिंदु है, उसी का ये नाला है। और हमने बहुत पहले यहाँ की काफ़ी अपडेट दिखाई हैं, और मार्केट संवाद की अपडेट दिखाने की लोगों को सिला भी मिला है। और आप जो देख रहे हैं ये पूरा नाला उसी प्रकार से कचड़े से भरा रहता था, अब इसको पाट दिया गया है। अब जब खूब बारिश होगी तब पता चलेगा कि यहाँ पर पानी अब भरता है कि नहीं भरता है, वरना ये स्थिति है कि जो आप देख रहे हैं चट्टाने छत्ती लगी हुई हैं इसके ऊपर तक पानी बहता है। जब पानी बरसता है और नाला उफना जाता है, जैसे कि देहरी बनी हुई है देख रहे होंगे दरवाजे पर, यहाँ तक पानी चलता है और घरों में भर जाता है। और अब नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बज गया है, खम्भों पर खूब शोभा बढ़ा रहे हैं, होर्डिंग में खूब बधाई दे रहे हैं संभावित प्रत्याशी। कई कई लोग तो होर्डिंग में चुनाव चिन्ह भी लगाकर अपनी होर्डिंग टांगे हुए हैं। पार्टी ने टिकट भी अभी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन अपने आप को वो भाजपा का प्रत्याशी मान के चल रहे हैं। इससे क्या है कि लोग भी भ्रमित हो रहे हैं कि वार्ड में किनको टिकट मिलता है किनको नहीं मिलता है, ये अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। और आज सुनवाई भी चल रही है हाई कोर्ट की, आरक्षण के जो होना है, आपत्तियां गई थीं और जो याचिका दाखिल की गई थी उसकी सुनवाई चल रही है। और नाला आपके सामने है, और पार्टी ने कई बार मना कर रखा है लोगों को कि हमारा अभी चिन्ह उपयोग ना करें जब तक पार्टी घोषित नहीं कर देती है प्रत्याशी, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं और खम्भे पर चुनाव चिन्ह अपना भाजपा का जो निशान है कमल का फूल लगाकर अपना प्रचार कर रहे हैं, होर्डिंग में आशीर्वाद दे रहे हैं खम्भे पर। होर्डिंग भी खूब नज़ारा दिख रहा है खम्भों पर, पहले खम्भों पर कोई सुंदरता नहीं दिखती थी, अब ऐसे लगता है जैसे सर्दियों में खम्भों को कोट पहना दिया गया हो, ब्लेजर पहना दिया गया हो। सारे खम्भे बिल्कुल अब सुंदरता बिखेर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खम्भे ही दिखते हैं, क्योंकि और प्रचार करने का तो कोई साधन दिखाई नहीं देता, खम्भे ही सरल प्रचार करने का साधन है उनके लिए। तो खम्भे पर होर्डिंग टांग दी, हाथ जोड़ लिए, आशीर्वाद मांग लिया, शुभकामनाएं दे दी, हो गया प्रचार। जनता भी खूब समझदार है, आज की हर उस व्यक्ति को चुनती है जो जनता के बीच में रहता है और सुख दुख में काम आता है और शिक्षित समझदार पढ़ा लिखा होता है, कोई आपराधिक छवि वाला नहीं होता है। अब जनता उसी व्यक्ति को चुनती है, क्योंकि जनता जानने लगी है कि हमें 5 साल भुगतना पड़ेगा ऐसे अगर इंसान को हम चुनेंगे जो कभी दिखाई भी नहीं देते हैं वार्ड में। अगर हम उनको चुनेंगे तो हम फिर पछताएंगे। और एक नया क्रेज और चल गया है कि जिस वार्ड में आरक्षण की सेटिंग नहीं बैठ रही है वो दूसरे वार्ड में कूद कर जा रहे हैं कि वहाँ से हमारी लाठी खुल जाए।
अब जनता जनार्दन है, जनता महान है, बांट की आप देख सकते हैं। ये प्रेम नगर नगरा झांसी का इलाका है। नाला इतना भरा हुआ है, साफ नहीं है। ज़रा सा पानी अगर बरस जाए पूरा पानी ऊपर आ जाता है। स्कूलपुरा के लिए जाने वाली सड़क है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।